अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन मींस इट्स अ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द टिश्यूज, कि टिश्यू के अंदर जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन जो है हम उसको डिस्कस करेंगे और इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अब पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन जो है वो टू टाइप की होती है। एक होती है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक, एंड एक होती है मेटास्टैटिक, मेटास्टैटिक। अब जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है, ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मींस डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन डेड टिश्यूज, डेड और नेक्रोटिक टिश्यू। जो डेड नेक्रोटिक टिश्यू होती हैं उनके अंदर जो डेपोजिशन होती है उसको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और मे बी नेक्रोसिस किसी भी वजह से हो सकती है, हाँ स्कीमिया की वजह से। जी, काइंडली म्यूट कर ले। और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन मींस डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन नॉर्मल टिश्यूज, नॉर्मल टिश्यूज के अंदर जो डिपोजिशन होती है उसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, इसके हम डिफरेंट रीजंस पढ़ेंगे, लाइक हम हाइपर पैराथायरायडिज्म, लाइक इंक्रीज पीटीएच। क्या होता है जो हाई पीटीएच होता है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरायडिज्म में क्या होता है, ये हमारी बोन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बोन है और ये बोन के ऊपर क्या होता है, हमारी बोन के अंदर एक स्पेशलाइज टिश्यू सेल्स होते हैं, उन सेल को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को हाई कर देगा। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओस्टियोक्लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओस्टियोक्लास्ट, ये क्या काम करती है, ये हमारी बोन के ऊपर जो कैल्शियम डिपोजिट होती है उसको रिलीज करती है। मींस ये कैल्शियम जो है ये बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं, बोन को ऊपर जो कैल्शियम डिपॉजिट होती है वहां से उसको रिमूव करते हैं। जब ये यहाँ से रिमूव करते हैं कैल्शियम को, ये कैल्शियम हमारी जो है ये हमारे ब्लड में आ जाती है। और ये जब कैल्शियम हमारे ब्लड में आती है तो ये कैल्शियम हमारे डिफरेंट टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाती है। ये डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जो है, जो नॉर्मल हमारी बॉडी के टिश्यूज होती हैं उनमें आके ये कैल्शियम इस तरह डिपॉजिट हो जाती है। और ये नॉर्मल टिश्यू में जो जब डिपॉजिट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये जस्ट ओवरव्यू था कि कैल्सिफिकेशन क्या होती है, पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन क्या होती है और इसकी डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ अबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम अलोन जो है वो डिपोजिट नहीं होता, बल्कि इसके साथ डिफरेंट और जो है स्मॉलर अमाउंट में डिफरेंट और आयंस और मिनरल्स वगैरह जो है, डिफरेंट और मिनरल्स साथ डिपॉजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देयर विल बी आयरन, मैग्नीशियम एंड मिनरल्स आर जो है इसमें डिपॉजिट होते हैं। और कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, देयर इज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। और अब इस लेक्चर में जो है हम सबसे पहले डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मींस देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ दिस कैल्शियम साल्ट इन द डाइंग और द डेड टिश्यूज। आपने ये याद रखना है पॉइंट्स, डाइंग एंड द डेड टिश्यू में डिपोजिशन होती है जो कैल्शियम की, उसको कहते हैं डिस्ट्रोफिक। और ये डेड और डिजनरेटिंग टिश्यूज में होती है। सीरम कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने पॉइंट याद रखना है वो ये पॉइंट है कि इसमें जो सीरम कैल्शियम लेवल वो नॉर्मल रहता है। सीरम कैल्शियम लेवल जो है इसमें वो नॉर्मल रहता, आपने ये पॉइंट अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नॉर्म ऑन द सीरम कैल्शियम। तो सीरम कैल्शियम जो है वो नॉर्मल रहता है, तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट जो है, अगर इन द
ऑफन काजेज द ऑर्गन डिसफंक्शन। डेफिनेटली जो जिस ऑर्गन में जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट होगी उसके नॉर्मल फंक्शन को वो इफेक्ट करेगी और वो ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द काजेज ऑफ दिस डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन? देयर इज अ निमोनिक ए बी सी डी ई। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बताया कि देयर देयर इज आर्थरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस? मींस इफ देयर इज अ ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल किसी ऑर्गन को सप्लाई ब्लड कर रही है, बन ठीक जाना। है, सो देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ दिस फैटी प्लाक। लिपिड की डिपोजिशन होती है हमारी ब्लड वेसल्स में, उसको कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो क्या होता है, तो ये जो है इस एरिया से ब्लड पास नहीं होगा, और जिस एरिया अगर किसी भी ऑर्गन को, अगर ये फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑर्गन है, इस ऑर्गन को अगर ये सप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, तो इस एरिया में जो है क्या होगा, इस एरिया में हमारे जो है वो नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस हो जाएगा क्योंकि इस एरिया में प्रॉपर ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या होगा जब इस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी और जो है वो यहाँ पे कैल्शियम की डेपोजिशन भी हो जाएगी। इस तरह जो है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक कास होती है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की। स्मोमा बॉडीज, ये भी क्या होते हैं स्मोमा बॉडीज, ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट नेक्रोटिक एरियाज, जहाँ पे किसी भी ऑर्गन में नेक्रोसिस हो जाती है, तो उसमें जो है वो स्मॉल स्मॉल कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से जो है वो एरियाज बनते हैं, उनको हम स्मोमा बॉडीज कहते हैं। वो डिफरेंट हम कौन कौन सी जगह पे होते हैं। कैसियस नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस की एक टाइप है, ठीक है, तो इसमें भी जो है वो कैल्शियम की डेपोजिशन होती है। डैमेज हार्ट वॉल्स एंड डेड पैरासाइट्स वगैरह, जो है हार्ट वॉल्स, जब हार्ट वॉल डैमेज होती हैं तो डैमेज होने की वजह से जो है इनके ऊपर भी जब डिपोजिशन होती है तो डेफिनेटली वो वॉल हमारे जो है वो नैरो हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, और नैरो होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, उसमें स्टिनोसिस हो जाएगा। तो स्टिनोसिस के मोस्ट कॉमन होने की वजह क्या होती है, डैमेज वॉल के ऊपर जो है वो कैल्शियम और मिनरल्स की डिपोजिशन होती है। नेक्स्ट जो है एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है, फैट नेक्रोसिस लाइक हमने डिस्कस किया कि फैट नेक्रोसिस जो है वो ब्रेस्ट में भी होता है, लाइक अगर कोई ट्रोमा हो जाए, उसके बाद पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक फैट नेक्रोसिस, इन जगहों पे जो है वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट, एमसीक्यूज किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि स्मोमा बॉडीज जो है वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, तो आपने ये जो है पांच नाम याद रखने, इनको आपने रट्टा लगा लेना और इनको आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो, ये सारी चीजें कौन कौन सी होती हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, पेपिलरी सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ द ओवरी एंड पेपरी सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, मेनिंजियोमा एंड द पेपरी कार्सिनोमा ऑफ द किडनी। तो ये आपको पांच नाम याद होने चाहिए ताकि आप किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नेक्रोटिक टिश्यू, लाइक कैल्सिफिकेशन इन द कैसियस एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस इन द डेड एग्स ऑफ द सिस्टोसोमा, सिस्टर सरकोसिस एंड हाइड्राटिसिस। तो ये जो है वो किसी भी लाइक फैट निक्रोसिस में या कोई भी पैरासाइट जो होती है, लाइक ये जो सिस्टोसोमा, ठीक है, ये सिस्टोसोमा क्या होता है, ये सिस्टोसोमा हमारा ब्लैडर कैंसर काज करता है। ठीक है, तो आपने ये इसको याद करना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिस्टोसोमा जेपोनिकम हेमाटोबियम, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो और ये जो है ब्लैडर कैंसर काज करता है मोस्ट कॉमनली, हेमरेजिक जो है वो कैंसर काज करता है। नेक्स्ट है सिस्टर सरकोसिस, ये सिस्टर सरकोसिस जो है ये हमारे ब्रेन ब्रेन डैमेज करता है, और जब ब्रेन डैमेज करेगा तो वहां पे भी हमारे जो है वो कैल्सिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है डिजनरेटिंग टिश्यूज लाइक हर्ट वाल्स है, एजिंग और डैमेज हर्ट वाल्स में जो है वो वहां पे कैल्सिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, गोइटर ऑफ द थायराइड, डेंस ओल्ड स्कार्स और एपिडर्मल और पाइलर सिस्ट ऑफ द स्किन, इन जगहों पे जो है वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो है मोनिटबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, ये क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे हमारे पास ये है हमारी ब्लड वेसल्स,
ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, और हमें पता है कि ब्लड वेसल में ल्यूमन होती है, और उसके बाद जो है इसका सेंटर में जो लेयर होती है वो क्या होती है, मीडिया, ठीक है, मीडिया उसको बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया इसको कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो है हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। अब क्या होता है कि हमारी जो मस्कुलर लेयर होती है, इस मस्कुलर लेयर के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, इस्कीमिया की वजह से हमारे इस एरिया को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है हमारे इस एरिया में नेक्रोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, और नेक्रोसिस की वजह से यहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, और जब यहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन होती है तो इसको कहते हैं मोंकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक सेक्लोरोसिस, ठीक है, और ये मोस्टली इन द मीडिया ऑफ द मस्कुलर आर्टरीज इन ओल्ड पीपल, लाइक एजिंग के साथ साथ जो है ये डिफरेंट आर्टरीज में होता है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, मीडिया में होता है। एंड स्मोमा बॉडीज क्या होती हैं, सिंगल नेक्रोटिक सेल्स ऑन विच सेवरल लेयर ऑफ मिनरल गेट डिपॉजिट प्रोग्रेसिवली टू क्रिएट लेमिनेटेड शेप। लाइक एक क्या होता है, हमारे पास सिंगल नेक्रोटिक सेल है, ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, ये एक नेक्रोटिक सेल है हमारे पास, क्या है, इट्स अ नेक्रोटिक सेल। अब नेक्रोटिक सेल के ऊपर जो है डिफरेंट लेयर जो है कैल्शियम की वो डिपॉजिट होती हैं, लाइक ये कैल्शियम की एक लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, सिक्स लेयर, तो ये लेयर्स इसी तरह जो है वो डिफरेंट एरियाज पे जो है वो डेट जो जिस आर्गन में जो कैल्सिफिकेशन होती है, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इन स्ट्रक्चर्स को ये लेमिनेटेड मींस के लेयर्स में जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन होती है, तो इसको हम कहते हैं स्मोमा बॉडीज। अभी हम देखेंगे कि स्मोमा बॉडीज जो है वो किस तरह की हम हिस्टोलॉजिकली उसको देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये हमारे पास जो है वो डैमेज हार्ट वाल्स हैं, ठीक है, थीके? और ये ट्राइकस्पिड वाल है, ठीक है, इट्स अ ट्राई कस्पिड वाल, तो ये जो है यहाँ पे डिपोजिशन की वजह से नैरो हुए हैं और स्टिनोसिस हुई है, ठीक है, स्टिनोसिस हुई है। नेक्स्ट, इन डायग्राम्स में आप देखें कि ये है स्मोमा बॉडीज हमारे पास, तो इसको गौर से आप देखें कि यहाँ पे जो है सेंट्रल जो है ये नेक्रोटिक एरिया, ये सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया, ये क्या है हमारे पास, एक नेक्रोटिक सेल है। अब इस नेक्रोटिक सेल के ऊपर जो है लेयर्स में, लेयर्स के अंदर जो है इस तरह डिपोजिशन हुई है, ठीक है, तो ये लेयर्स में जो है वो कैल्शियम डिपोजिट हुई है लेयर्स में। नेक्स्ट, मोंकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस इन विच द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द आर्टरी इन द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस शो कैल्सिफिकेशन, के ये हमारे पास जो है वो यूट्रस है, फीमेल यूट्रस है, और इसके अंदर जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द जो है एरिया है जहां पे नेक्रोसिस हुई है, और नेक्रोसिस नेक्रोटिक एरिया, और ये सारा एरिया नेक्रोटिक एरिया है, और इन नेक्रोटिक एरिया में जो है वो कैल्सिफिक डिपोजिशन हुई है, डेड टिश्यूज होते हैं और वहां पे डिपोजिशन हुई है, इसको कहते हैं मोंकेबर्ग मीडियल कैल्सिफिक सिक्लोरोसिस। अब ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब जो है हमने डिस्कस करना है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इट्स अ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन द अपेरेंटली नॉर्मल टिश्यूज, आपने ये याद रखना है, इसमें नॉर्मल टिश्यूज के अंदर डिपोजिशन होती है, ठीक है, और इसमें जो है एसोसिएटेड विद हाइपर कैलिसीमिया सेकेंडरी टू अ डीरेंज्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। लाइक कोई भी ऐसी कंडीशन, जो भी ऐसी कंडीशन, वो हम सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे, कौन सी हो सकती हैं, लाइक पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट हो सकता है, बोन टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकती है, विद वाइटामिन डी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रेनल फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर हमारे क्या होता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइड थायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, ये सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज जो के हमारे बॉडी में डीरेंज्ड कर देती है इस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म
को और कैल्शियम के हेमोस्टेसिस को डीरेन करेगी, वो क्या काम करेगी उसका अल्टीमेटली वो बॉडी में हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को हाई कर देगी। जब ये कैल्शियम का लेवल हाई हो जाएगा तो ये जो है हमारे नॉर्मल टिश्यूज के साथ मिलके जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी नॉर्मल टिश्यूज में, इसको कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, और ये नॉर्मल लिविंग टिश्यूज में होती है। और इसमें आपने इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज आपने याद रखना है, एसोसिएटेड विद रेज कैल्शियम। हमने डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में पढ़ा था कि सीरम कैल्शियम जो है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन इसमें जो सीरम कैल्शियम है वो हाई हो जाती है। आपने ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिस्ट्रोफिक जो कैल्शियम होती है उसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो कैल्शियम का लेवल क्या होता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है, हाँ उसमें नॉर्मल रहता है। लेकिन मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में जो है वो कैल्शियम का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। आपने ये पॉइंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट काजेज हमने जो डिस्कस की है कि कौन सी काजेज हो सकती हैं, हाई सिक्रीशन ऑफ पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, जो आपको बताया मैंने पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बोन को इंक्रीज कर देगा, बोन रिजॉर्प्शन, बोन के अंदर जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देगा, बोन के अंदर जो मिनरल डेपोजिशन होती है जो कैल्शियम डिपोजिट होती है, ठीक है, वो बोन से वो कैल्शियम को रिलीज करवाएगा और वो कैल्शियम जो है हमारे टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाएगी और बोन रिजॉर्प्शन की वजह से जो है वो कैल्शियम ज्यादा होगी और ये कैल्शियम हमारे टिश्यूज में आके डिपॉजिट हो जाएगी। देन एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू लाइक एनी प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द बोन मैरो लाइक मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया, मेटास्टेटिक ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर जो कि बोन की डिस्ट्रक्शन करेगा, बोन को तोड़ेगा, ठीक है, जब भी बोन डिस्ट्रक्शन होती है तो बोन के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट होती है वो वहां से निकलती है, कैल्शियम वहां से निकलेगी, हमारे सीरम में आएगी, हमारे ब्लड में आएगी और वो डिफरेंट टिश्यू में आके डिपॉजिट हो जाएगी। और विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन मीन्स के हमें पता है कि विटामिन डी क्या काम करता है, इंक्रीज करता है हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को, हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर लगता है और ये हमारे जो है वो क्या काम करता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर देता, मींस ये अल्टीमेटली हमारे इंक्रीज करता है कैल्शियम को इन ब्लड, ब्लड में जो है वो कैल्शियम को ज्यादा कर देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा इसका काम क्या है, ये जो विटामिन डी है ये हमारी जो प्रोक्सीमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां से जो है अब्सॉर्प्शन करता है, कैल्शियम री अब्सॉर्प्शन करता है, ये कहाँ पे, हमारे किडनी में, ठीक है। अल्टीमेटली अब एक तो अब्सॉर्प्शन इसने इंटेस्टाइन से ज्यादा की और दूसरा इसने जो है वो री अब्सॉर्प्शन किडनी से ज्यादा की। अल्टीमेटली विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है, विटामिन डी का फंक्शन ये होता है कि इसने हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बहुत ज्यादा हाई करना होता है, कैल्शियम के लेवल को क्या कर देना है, हाई। अब ये जब कैल्शियम इंटॉक्सिकेशन मींस हमने अब नॉर्मल रिक्वायर्ड जो होती है मकदार उससे ज्यादा हमने जो है वो लिया, ठीक है, अब जब उससे ज्यादा हमने लिया तो ये जो नॉर्मल कैल्शियम है हमारे जो हाई कैल्शियम होती है ये हमारे नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। एंड एनी रेनल फेलियर, जब रेनल फेलियर होगा तो फास्फेट रिटेंशन होगी, अब ये फास्फेट रिटेंशन की वजह से जो है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा, क्योंकि ये फास्फेट हमारे पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा और जो कि सेकेंडरी पैरा हाइपर पैराथायराइडिज्म कास करेगा। और उसके बाद एनी सार्कॉइडोसिस, सार्कॉइडोसिस में क्या होता है, सार्कॉइडोसिस में डिफरेंट इंजाइम्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं, ये हार्मोन्स क्या काम करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं सीरम कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और मिल्क अल्कलाई सिंड्रोम्स, ये सारे रीजन जो है ये काजेज जो है वो कैल्शियम के लेवल को हाई करते हैं। अब साइट्स ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कौन कौन सी साइट्स होती हैं जिसमें जो है वो कैल्सिफिकेशन हो सकती है, हमने वो डिस्कस करना है। मैसिव डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द किडनी इज नाउन एज नेफ्रोकैल्सी
कैल्सिनोसिस मींस अगर हमारी किडनी में बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी किडनी, और किडनी के अंदर देयर इज डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, मेजर माइनर कैल्सिस, और उसके बाद रेनल पैरामिड वगैरह में डिपोजिशन होती है, तो क्या होगा, ये हमारे नेफ्रोकैल्सिनोसिस करेगा। लंग्स में डिपोजिशन हो जाएगी, देयर इज एल्वोलर सेप्टा ऑफ द लंग्स जो है वो प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, लंग्स में डिपोजिशन हो सकती है। नेक्स्ट, किडनी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल, डेफिनेटली जब बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी रेनल ट्यूब्यूल्स की, तो वहां पे जो है वो फिल्ट्रेशन कम होगी, तो यहाँ पे डिपोजिशन होगी, तो वहां पे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कम होगी और किडनी फेलियर का काज हो सकती है। एंड इन द ब्लड वेसल्स, इन द इंटरनल इलास्टिक लेमिना ऑफ द सिस्टेमिक आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, स्टमिक में इंटरस्टिशियल टिश्यूज ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा और मार्फ, ये थी डिफरेंट साइट्स जो कि हमने डिस्कस की, कहाँ कहाँ पे जो है वो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, आपने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं जिसमें हाई चांसेस होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का। और नेक्स्ट जो है हमने इसमें देखना है कि जिस ऑर्गन में कैल्शियम डिपोजिट होती है वो किस तरह का नजर आता है, उसकी मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉसली इफ वी सी देयर विल बी अ अपीयर ऑफ फाइन व्हाइट ग्रेन्यूल्स और क्लम्प्स, फील ग्रीटी एंड सैंड लाइक। व्हाई इट्स लाइक ग्रेन्यूल्स, बिकॉज वी सी देयर इज लाइक क्रिस्टल क्रिस्टल्स लाइक क्रिस्टल्स विच आर द मेड ऑफ कैल्शियम, और ये फील ग्रीटरी मीन्स ये शाइनी होंगे और सैंड होंगे। माइक्रोस्कोपिकली इफ वी सी देयर इज बेसोफिलिक अमॉर्फस ग्रेन्यूलर क्लम्प अपेयरेंस, मीन्स के देयर इज बेसोफिलिक, देयर इज ब्लूइश ब्लूइश टाइप स्ट्रक्चर होगा, ब्लूइश टाइप, देयर इज ब्लूइश टाइप स्ट्रक्चर होगा, और ये माइक्रोस्कोपिकली हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल डिस्कशन अबाउट पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको जो है वो कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।